इस बीच जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे होने पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। दावा किया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने वहां छिपे आतंकियों को 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के जिम्मा सौंप दिया है। क्योंकि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो जाएंगे, साथ ही अगस्त के पहले हफ्ते में ही चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में समीक्षा बैठक भी होगी और दावा किया गया कि इसी बात से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना बौखला गई और उन्होंने आतंकियों को 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर में कोहराम मचाने का आदेश दे दिया। और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों को साफ निर्देश दिए गए कि वो चाहे सुरक्षा बल पर ग्रेनेड हमला करें या जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को निशाना बनाएं। मतलब चाहे जो भी हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल पूरे होने के दिन जम्मू कश्मीर किसी बड़े आतंकी हमले से दहलना चाहिए। और इस जानकारी के मिलते ही खुफिया एजेंसियों ने बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि खबर है कि अगले महीने जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसी बात से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना बुरी तरह चिढ़ चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने का जिम्मा सौंप दिया।